बहुत बड़े बेदार हैं आप लोग, बहुत बड़े मुफ्ती गुजरे जिन्हें मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह कहा गया। ये मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह का मजार से कहाँ है, कहाँ है तो ये बोलिए अदब लिया करें, कायदे से लिया करें।
ताकि उनके चाहने वालों में आपका नाम लिखा जा सके, आप हुसैन से मुहब्बत कर दवा दो। नबी पाक साहब दौदा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मानने वाले आपको पता है, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किस कदर मोहब्बत फरमाते, किस कदर मेरे आका इन दोनों से मोहब्बत फरमाते थे। एक मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गोद में सरकार इमाम हसन तशरीफ करना है और सरकार इमाम हुसैन तशरीफ करना है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों हजरात नबी पाक की गोद में तशरीफ फरमा है और आगाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को गोद में लेकर के मौला की बारगाह में दुआ करते हैं। दुआ करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये दुआ फरमाते हैं मेरे आका अलैहि सलातो व तस्लीम, ये अल्लाह ये हसनैन है बोलिए रब, ये अल्लाह ये हसनैन है मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तो भी इनसे मोहब्बत करना और जो लोग इनसे मोहब्बत करें परवरदिगार तू उन सबों से मोहब्बत इजाजत ने चुपके गले से लगाया दुल्हन बन के निकली दुआएं सल्लल्लाहु मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मोहब्बत में चूम भी रहे थे और सूं भी रहे नबी सहाबा देख रहे थे कि आका हुसैन को चूम भी रहे सूंघ भी रहे। आज भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुसैन को चूमते भी हैं और हुसैन को सूंघते भी हैं, या रसूल अल्लाह ये बात समझ में तो आ रही है हुसैन आपके नवासे हैं, नवासा होने की वजह से आप हुसैन को चूम रहे हैं या रसूल अल्लाह, लेकिन ये मेरे आका आप हुसैन को सूंघते क्यों है? All right.
आजम ने हसनैन को इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को जन्नती नौजवानों का सरदार था। जन्नती नौजवानों के सरदार कहा है, बोलो यार, सर के बोलो, हसनैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। कांधे बहुत है दुनिया में, लेकिन दो ही कांधों का जिक्र मिलता है, एक नबी का कांधा जिसमें हजरत अली और हसनैन सवार हुए हैं, और एक नए सिद्दीक का कांधा कि सबे हिजरा और नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने बेटों को, अपने भांजों को, अपने भतीजे को, अपने नवासों को, अपने पोतों को अपने कंधे पर बैठा करके घूमते हो, ये मेरे आगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को अपने कंधे पर बैठा के घूमा है। हम मेरी सुन्नत को जिंदा करते हैं, ये अपने बेटे को, भाने को, भतीजे को अपने कंधे पर बैठा करके घूमते हैं। उससे मोहब्बत करो,